हाँ भैया, आज हम जो पोएम हमारी लास्ट बार्गेन है उसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए, हु इज द स्पीकर इन द पोएम। पोएम के स्पीकर कौन है, जो पोएम कहने वाले हैं वो कौन है। तो पोएम में जब पोएट हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोएम, जो पोएट खुद ही इस पोएम के स्पीकर है, वो खुद ही उन्होंने इस पोएम को बोला भी है और इसके अंदर खुद ही वह जो मजदूर है उसके रूप में कार्य भी उन्होंने ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द किंग्स चॉइस इन द हैंड सजेस्ट, मार्क द अप्रोप्रिएट आइटम इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्टेंजा। तो ये जो स्टेंजा है इसमें लिखा हुआ है द किंग शॉट इन हैंड सजेस्ट, यह लाइन इसमें लिखी हुई है। तो यह लाइन किस चीज के लिए लिखी हुई है, इसका आंसर है पावर, शक्ति के लिए यह लाइन लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर ए लॉट ऑफ मनी, व्हाई डिडंट आई राइट डाउन इन द ऑफर। तो इसमें है द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर ए लॉट ऑफ मनी, वृद्ध व्यक्ति जो था वह उसे बहुत सारा धन देता है, why did he turn down the offer, उसने इस ऑफर को अस्वीकार क्यों कर दिया। तो इसका आंसर है the speaker didn't need money, जो स्पीकर था, जो बोलने पोएम बोलने वाला था, जो मजदूर था, उसको उस धन की आवश्यकता नहीं थी। फ्रीडम मोर देन बीइंग सेल्फ, वह गुलामी से ज्यादा स्वतंत्रता को महत्व देने वाला था, फॉर मनी और धन के अलावा, सो ही टर्न डाउन द ऑफर, अतः उसने उस ऑफर को अस्वीकार कर दिया। इसी तरीके से हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीन, जिसका आंसर है द स्पीकर फेल्ट जॉय, स्पीकर स्वतंत्रता या खुशी महसूस कर रहा था, फ्रीडम एंड सेटिस्फेक्शन, स्वतंत्रता और उसे इस चीज से संतुष्टि भी थी, आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बेंच, अतः उसने जब उस बच्चे से बात की तो उसे बहुत ज्यादा स्वतंत्रता महसूस हुई, बहुत ज्यादा संतुष्टि महसूस हुई, इसलिए उसने जो स्पीकर था उसने उससे बातचीत करना, बच्चे से बातचीत करना सही जारी रखा या उसके साथ उसने खेलना जारी रखा। इस तरीके से हमारे इस पोएम के पांच क्वेश्चन हो गए हैं। इसका चौथा क्वेश्चन है लाइन को मिला करके लिखने वाला, तो इसको आपको आपकी पोएम के अंदर देखना है, उससे आगे वाली लाइन को आपको लिखना है, इसलिए चौथा क्वेश्चन भी आपको करना है। एक से लेके पांच तक के क्वेश्चन आंसर आपको आपकी नोटबुक की कॉपी के अंदर करना है और लर्न करना है। हाँ भैया, आज हम जो पोएम हमारी लास्ट बार्गेन है उसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए, हु इज द स्पीकर इन द पोएम, पोएम के स्पीकर कौन है, जो पोएम कहने वाले हैं वो कौन है। तो पोएम में जब पोएट हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोएम, जो पोएट खुद ही इस पोएम के स्पीकर है, वो खुद ही उन्होंने इस पोएम को बोला भी है और इसके अंदर खुद ही वह जो मजदूर है उसके रूप में कार्य भी उन्होंने ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द किंग्स चॉइस इन द हैंड सजेस्ट, मार्क द अप्रोप्रिएट आइटम इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्टेंजा। तो ये जो स्टेंजा है इसमें लिखा हुआ है द किंग शॉट इन हैंड सजेस्ट, यह लाइन इसमें लिखी हुई है। तो यह लाइन किस चीज के लिए लिखी हुई है, इसका आंसर है पावर, शक्ति के लिए यह लाइन लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर ए लॉट ऑफ मनी, व्हाई डिडंट आई राइट डाउन इन द ऑफर। तो इसमें है द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर ए लॉट ऑफ मनी, वृद्ध व्यक्ति जो था वह उसे बहुत सारा धन देता है, why did he turn down the offer, उसने इस ऑफर को अस्वीकार क्यों
कर दिया। तो इसका आंसर है द स्पीकर डिडंट नीड मनी। जो स्पीकर था, जो बोलने पोएम बोलने वाला था, जो मजदूर था, उसको धन की आवश्यकता नहीं थी। ही वैल्यूड फ्रीडम मोर देन बीइंग सेल्फ। वह गुलामी से ज्यादा स्वतंत्रता को महत्व देने वाला था, फॉर मनी और धन के अलावा। सो ही टर्न डाउन द ऑफर। अतः उसने उस ऑफर को अस्वीकार कर दिया। इसी तरीके से हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीन। इसका आंसर है द स्पीकर फेल्ट जॉय। स्पीकर स्वतंत्रता या खुशी महसूस कर रहा था, फ्रीडम एंड सेटिस्फेक्शन, स्वतंत्रता, और उसे इस चीज से संतुष्टि भी थी। आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बेंच, अतः उसने जब उस बच्चे से बात की तो उसे बहुत ज्यादा स्वतंत्रता महसूस हुई, बहुत ज्यादा संतुष्टि महसूस हुई। इसलिए उसने जो स्पीकर था उसने उससे बातचीत करना, बच्चे से बातचीत करना जारी रखा या उसके साथ उसने खेलना जारी रखा। इस तरीके से हमारे पोएम के पांच क्वेश्चन हो गए हैं। इसका चौथा क्वेश्चन है लाइन को गिला करके लिखने वाला। तो इसको आपको आपकी पोएम के अंदर देखना है, उससे आगे वाली लाइन को आपको लिखना है, इसलिए चौथा क्वेश्चन भी आपको करना है। एक से लेके पांच तक के क्वेश्चन आंसर आपको आपकी नोटबुक की कॉपी के अंदर करना है और लर्न करना है।